दोस्तों यह सीलर मशीन है। देखिए मशीन जो है बिल्कुल नया है, लेकिन इसमें जो है हम लोग जो पॉलीपॉप वगैरह पैकिंग करते हैं इसमें, तो ऑटोमेटिक इससे सीलिंग हो जाते हैं। तो इसमें देखिए प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसमें पावर वगैरह सब कुछ आ रहा है, लेकिन इसमें पैकेट जो है सील नहीं हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो गर्म होने का जो कोयल है वहाँ पे जो है, ये देखिए पावर दे के रखा हूँ मैं, और देखिए ऑन हो चुका है, ऑफ़ हो जाएगा, ऑटो कट हो गया। और देखिए ये हीटर के ऊपर मैं हाथ लगा के देख रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी जो है हीट जो है सीलर मशीन में बन नहीं पा रहा है। तो ये देखिए बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है, तो सोचा इसका एक वीडियो बना करके अपलोड कर दूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कस्टमर जो है, जो भी दुकानदार रहता है, दुकानों में अपना शॉप रहता है, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और काफ़ी लोग जो है आते हैं इसको लेकर के मेरे पास। तो काफ़ी दिनों से सोच रहा था इसको जो है रिपेयर करके एक वीडियो बनाएंगे। तो देखिए इसका कोयल है ये, तो बहुत ही पतली सी एक कोयल का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। तो कोयल इस तरह से कोयल को एक बार खोल करके पहला स्टेप पे आप चेक कर लीजिए। तो देखिए कोयल को खोल करके भी मैंने इसको प्रेस करके देखा, लेकिन इसमें कोई हीट नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान में रखिए, सप्लाई वगैरह निकाल करके ही टच कीजिएगा। तो देखिए कोयल तो बिल्कुल सही है, कोयल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्योंकि इसमें लाइट वगैरह सब कुछ आ रहा है और ऑटो कट वगैरह भी सब कुछ हो रहा है, सिर्फ इसमें जो कोयल है गर्म नहीं हो रहा है, तो समस्या कोई बड़ा समस्या नहीं है ये। और कहीं सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं इसमें, यह मशीन में, तो उसका भी मैं वीडियो अलग से जो है दिखाऊंगा, जिसमें पावर नहीं आता है, और जो है कभी कभी क्या हो जाता है, पावर वगैरह भी आता है लेकिन ऑटो कट करना बंद कर देता है। तो इसका भी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, आते रहता है मेरे पास ये सब चीज़ जो है रिपेयर होने के लिए। तो ये जो कोयल है, कोयल को मैं बैठा दे रहा हूँ ये प्लेट, क्योंकि यहाँ पे हमको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करने के साथ ऑल बटन को भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो में बने रहिए, छोटा सा वीडियो है तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए हम लोग को जो है ये पीछे नीचे तरफ का जो कवर है इसको हटाना पड़ेगा। तो पहले ये नीचे तरफ का जो कवर स्क्रू है इसको हम लोग खोल लेंगे। तो इसका अंदर देखिए बहुत ही सिंपल सा चीज़ है यहाँ पे, अंदर कोई इतना ज़्यादा खास नहीं है। अंदर देखिए एक ट्रांसफार्मर है, और स्विच है, और जो कोयल का कनेक्शन है, और छोटा सा एक पीसीबी लगा हुआ है जो ऑटो कट करने में जो है काम करता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसके थ्रू जो है आपको कोयल में जो है सप्लाई जाता है। तो यहाँ पे जो है क्योंकि सप्लाई वगैरह आ रहा है, तो हम लोग ट्रांसफार्मर को ही चेक करेंगे। तो देखिए ये ट्रांसफार्मर का वायर को आप देख पा रहे होंगे, तो ये इस तरह से लूज़ है। देखिए इस तरह से अगर लूज़ होगा तो सप्लाई जो है कोयल तक पहुँच नहीं पाएगा। तो जैसे कि मैंने खोलने से पहले बताया था, अगर सप्लाई आ रहा है तो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम होगा, और जो कि मैंने शुरुआत में कोयल को भी खोल करके दिखाया आप लोगों, और कोयल भी जो है बिल्कुल सही था। तो ये ट्रांसफार्मर का कनेक्शन जो है अगर अच्छी तरह से टाइट करके आप नहीं लगाएंगे, तो ये जो है चलाते चलाते जो है लूज़ हो जाता है इसका स्क्रू जो है। तो ये देखिए अभी देखिए गर्म हो चुका है, तो ये ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन है इसका लूज़ होने की वजह से जो है हमारा मशीन जो है गर्म नहीं हो रहा था। तो इसको सील करके देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए सील अच्छी तरह से हो चुका है अभी, और क्योंकि मैंने टेम्परेचर को थोड़ा सा हाई करके रखा है, तो पॉलीथीन जो है जल चुका है। तो ये तो अपना आप अपने हिसाब से जो है इसको एडजस्ट कर सकते हो, जैसे आपको काम करना है। अगर पतली सी पॉलीथीन है तो टेम्परेचर को लो कर सकते हो, अगर मोटा सा पॉलीथीन है तो आप टेम्परेचर को थोड़ा सा हाई करके लगा सकते हो। तो अपनी ज़रूरत के अनुसार जो है इसका स्विच जो होता है उसमें आप एडजस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से देखिए सीलर मशीन जो है अच्छी तरह से काम करने लगा है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।